चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी कि हमने पहले एक चैप्टर पढ़ा था कि मानव ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी कि मानव के लिए जो सूक्ष्म जीव है वो बहुत ही सूक्ष्म जीव है जो हानिकारक है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मानव के लिए लाभदायक होते हैं, और कैसे लाभदायक होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जिसका नाम है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी कि हमारे लिए घरेलू उत्पाद यानी कि घर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका हमारे लिए क्या क्या लाभदायक होते हैं उसके बारे में हम इस पहले पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी कि औद्योगिक उत्पाद होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका क्या मतलब कि ये कैसे लाभदायक होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी कि जीव जो जैव उर्वरक के रूप में जो ये सूक्ष्म जीव हो क्या लाभदायक होते हैं, और सॉरी जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव क्या लाभदायक होते हैं। और फिर बायोगैस, जो बायोगैस होती है वो सूक्ष्म जीवों से बायोगैस बनाई जाती है, कि बायोगैस से सूक्ष्म जीवों से बायोगैस कैसे बनाई जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी कि जो घर में सूक्ष्म जीवों का क्या लाभदायक है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामान्य उदाहरण ये है कि हम रोजाना देखते हैं कि जो दूध होता है उसको दही में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जो कि दूध में थोड़ी सी निवेशी दर मतलब कि दही की या फिर छाछ कह दे उसकी मात्रा डाल दी जाती है, और इस दही में होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि इस दूध में बहुत ही तेज़ी से गुणन करके और दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, और इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण जो दही होता है वो खट्टा होता है, और विटामिन B12 की भी मात्रा पाई जाती है जिससे हमारे पेट में कुछ रोगजनक जीवाणु होते हैं जिससे मतलब कि उन रोगजनकों को नष्ट करने के लिए विटामिन B12 हमारे लिए लाभदायक होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे इडली डोसा ब्रेड, इसका कैसे निर्माण किया जाता है। पहले ब्रेड जो चावल और दाल का ढीला ढाला आटा होता है उससे ब्रेड और इडली इनका निर्माण किया जाता है, और ये पादपों से प्राप्त किया जाता है। हमें पता है कि जो ये पादपों से स्टार्च की फॉर्म में प्राप्त किया जाता है, और बाद में इसको स्टार्च से ग्लूकोज में चेंज किया जाता है, और ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड में ग्लाइकोलिसिस विधि के द्वारा चेंज किया जाता है, और उससे पाइरुविक एसिड से अल्कोहल प्लस CO2 में किण्वन की क्रिया द्वारा चेंज किया जाता है, और जो ब्रेड होती है उसमें जो छिद्र होते हैं फुली हुई होती है वो CO2 के कारण होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ब्रेड होता है जिसका निर्माण होता है एक कोशिकीय कवक से होता है जिसका नाम होता है यीस्ट, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो सैकेरोमाइसिटिस सेराविसी होता है, और ये यीस्ट ब्रेड और यीस्ट का दूसरा नाम होता है वो ब्रेकर्स यीस्ट होता है। और इडली और डोसा के लिए जीवाणु रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो इसके ब्रेड के लिए कवक होता है। इसके बाद पढ़ेंगे कि टोडी क्या होती है, एक दक्षिण भारत का पेय पदार्थ होता है, पीने का पदार्थ होता है जिसका नाम होता है टोडी। ये टोडी दक्षिणी भारत में ताड़ वृक्ष के तने से प्राप्त की जाती है, और ताड़ रस के द्वारा किण्वन की क्रिया क्या होती है मतलब बड़े बड़े औद्योगिक में बहुत ही बड़े बड़े टैंक लगाए जाते हैं जिसके द्वारा ये किण्वन की क्रिया कराई जाती है, और इसके ताड़ रस के बाद किण्वन की क्रिया से इस टोडी को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद चीज क्या होती है, चीज होती है कि एक भोज्य पदार्थ होता है जो खाने के काम आता है। ये चीज दो प्रकार की होती है, पहली होती है वो स्विच चीज होती है जो कि एक बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती है जिसका नाम है प्रोपिओनी बैक्टीरियम सारमोनाई, और दूसरी चीज ये स्विच चीज होती है, इसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं जो कि इस प्रोपिओनी बैक्टीरियम सारमोनाई के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मात्रा में CO2 का उत्पादन किया जाता है जिससे ये बड़े बड़े छिद्र इसमें पाए जाते हैं।
और दूसरी चीज होती है जिसका नाम होता है रॉक्यूफोर्टी चीज। ये रॉक्यूफोर्टी चीज होती है वो एक कवक से प्राप्त की जाती है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। इस कवक एक चीज के अंदर कुछ फुफुंद जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो इस कवक के कारण होती है। वापस इस चैप्टर को रिकॉल करते हैं कि मैंने इस चैप्टर को कितने भागों में बांटा गया, पूरे 5 भागों में। पहला भाग है जिसका क्या नाम है, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। दूसरे का क्या नाम है, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। और तीसरे का क्या नाम है, जैव नियंत्रक में सूक्ष्म जीव। और चौथा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। और पांचवा बायोगैस, बायोगैस उत्पाद में सूक्ष्म जीव। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि दूध होता है इसको दही में परिवर्तित करने के लिए किस बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की। ये जो बैक्टीरिया होता है ये दही में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ा देता है। किसकी मात्रा बढ़ाता है, लैक्टिक एसिड की। और विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ाता है। और उसके बाद जो इडली और डोसा होते हैं उसको स्टार्च के सबसे पहले किसके फॉर्म में बदल, स्टार्च के फॉर्म में लिया जाता है और उसको बाद में किस में चेंज किया जाता है, ग्लूकोज में चेंज किया जाता है। और उसके बाद किस में चेंज किया जाता है, और किस विधि के द्वारा चेंज किया जाता है, ग्लाइकोलिसिस विधि के द्वारा। और फिर इसको पाइरूविक एसिड से एथेनॉल प्लस CO2 में किसके द्वारा चेंज किया जाता है, किण्वन की क्रिया द्वारा। उसके बाद में हमने पढ़ा था ब्रेड होता है जो किससे प्राप्त किया जाता है, यष्ट से, जो कि एक एककोशिकीय कवक होता है। ये क्या होता है, एककोशिकीय कवक होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो सैकेरोमाइसिटिस सेरावीसी होता है। क्या नाम होता है, और इस यष्ट का दूसरा नाम ब्रेकर्स यष्ट होता है। क्या नाम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था दक्षिणी भारत का पेय पदार्थ है जिसका क्या नाम है, टोडी। ये किससे प्राप्त किया जाता है, ताड़ वृक्ष के तने से। और किस, और ताड़ वृक्ष के तने से इसका ताड़ रस बनाया जाता है। और उसके बाद टोडी मतलब किण्वन की क्रिया द्वारा इसको टोडी में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद चीज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली चीज कौन सी है, स्वेच चीज। कौन सी चीज है, जो कि किससे प्राप्त की जाती है, बैक्टीरिया से, और जिस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टेरियम सारमोनाई। और दूसरी जो चीज है जिसका नाम क्या है, रॉक्यूफोर्टी चीज, जो किससे प्राप्त की जाती है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी कवक से प्राप्त की जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें सूक्ष्म जीवों का क्या क्या लाभदायक होते हैं। पहला होता है मादक पेय पदार्थ, जो दारू होता है जिसका नाम मादक पेय पदार्थ होता है, वो कैसे बनाया जाता है। उसके बाद प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कैसे बनाई जाती है, और रासायनिक एंजाइम सक्रिय अणु में औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या लाभदायक, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ग्लूकोज होता, जो एथेनॉल होता है उसे पहले ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। ग्लूकोज में इसे परिवर्तित करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला कौन सा है, गेहूं, दूसरा है अंगूर, और तीसरा है बेरी। और इसको इसके तीनों के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। और फिर यष्ट और किण्वन की क्रिया के द्वारा इसको एथेनॉल प्लस CO2 में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम ऑफ एल्कोहल होता है वो 13% होता है। ये ऐसे एल्कोहल बनाया जाता है इसमें औद्योगिक उत्पाद में। उसके बाद होता है जो एल्कोहल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आसवन, एक बिना आसवन। आसवन उसे कहते हैं जो जिसमें 13% से अधिक मात्रा पाई जाती है, और ये 13% से अधिक तीन में पाई जाती है, इसमें रम, ब्रांडी और विस्की में। और बिना आसवन होते हैं वो बियर और वाइन होते हैं, जिसमें 13% से कम मात्रा पाई जाती है। उसके बाद प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या होती है, प्रति यानी कि होता है खिलाफ, और जैविक यानी कि जीवन के खिलाफ। इसका अर्थ मिला के किया जाए तो जीवन के खिलाफ होता है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य के लिए जीवन के खिलाफ ना होकर के जीवन के प्रति होता है। मतलब कि इसमें हम पढ़ेंगे कि पहली एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलियम थी, जिसकी खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये एक हादसा या फिर घटना से हुई थी। ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे जो कि एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर खोज कर रहे थे, लेकिन ये एक घटना से ये इसकी प्रतिजैविक की खोज की थी इन्होंने।
मतलब कर तो रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर, लेकिन पेनिसिलियम की खोज हुई थी। और जो ये पेनिसिलियम है, इसका शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रभाव वो चैन तथा फ्लोरे दो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और 1945 में ये फ्लेमिंग, जिन्होंने इसकी खोज की थी, इन्होंने फ्लेमिंग को चैन तथा फ्लोरे को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। उसके बाद पेनिसिलियम है, ये दो प्रकार की है, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम काइमोजियम, ये दो प्रकार की पेनिसिलियम है। उसके बाद अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है जिसमें एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल होता है जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु की आवश्यकता होती है, जिससे लैक्टिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। जिसमें हम दही में देखते हैं वो खट्टा होता है, वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। उसके बाद ब्यूटिक अम्ल, जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालियम जीवाणु से द्वारा प्राप्त की जीवाणु होता है इसमें, और सिट्रिक अम्ल होता है जिसे एस्परजिलस नाइपर कवक होता है। इन तीनों में जीवाणु, ये तीन होते हैं वो जीवाणु के द्वारा होता है, और ये एक उसका कवक के द्वारा। उसके बाद एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, जो डिटर्जेंट मतलब कि धुलाई धुलाई में कपड़ों के तेल से धब्बे, जैसे कि कभी कभी जैसे कोई वाइट कपड़ा है उस पर कोई धब्बा लग गया है किसी कारण से, कुछ ऊपर गिरने से मतलब वो पीले कलर का हो गया, तो उस धुलाई उस धब्बे को हटाने के लिए एक डिटर्जेंट एंजाइम काम में लिया जाता है, जिससे ये धब्बा हट जाता है। उसके बाद प्रोटीनेज तथा पैक्टिनोजिस तथा प्रोटीज एंजाइम, वो क्या होता है, बोतल वाला स्वच्छ एवं साफ जूस, जैसे कि हम घरों में कभी जूस बनाते हैं तो वो मतलब कि इतना साफ नहीं होता है कभी कभी, और जो बाजार से जूस लाते हैं बोतल में वो एकदम साफ होता है, वो किस कारण होता है, वो इस एंजाइम के कारण होता है। पैक्टिनोजिस तथा प्रोटीज एंजाइम के कारण ये साफ होता है, घर में जो जूस बनाते हैं उसके कंपेरिजन ये साफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये एंजाइम डाल दिया जाता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा होता है, मतलब कि हमारी जो ये हार्ट होता है, धमनियों में जो रक्त बहता है, कभी कभी यहाँ पे ऐसे क्लॉट बन जाते हैं, यहाँ पे मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ से ऐसे रक्त को जाने से रोकते हैं, मतलब यहाँ पर रक्त की पंपिंग होती है वो कम होती है। ये जो इसको हटाने के लिए एक स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु काम में लिया जाता है, जो कि यहाँ पर ये बने क्लॉट को हटाने का काम में लिया काम करता है। उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए होता है, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन कवक से प्राप्त किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, अंग प्रत्यारोपण में कार्य करता है, जैसे कि